Hello all of you. Today we see the topic, that is pre-emphasis and de-emphasis. So first of all, see the pre-emphasis. This is the diagrams for pre-emphasis. This is the typical pre-emphasis circuit. In this, input is modulating AF signal and use the output as a pre-emphasized FM output. In this, the FM modulator block will be used, and pre-emphasis circuit is basically a high pass filter circuit is used. Then this is the FM transmitter including the pre-emphasis. Means इसमें जो है pre-emphasis में FM transmitter add किया है ये block diagram में. So इसमें देखो, इसमें भी input modulating AF signal है. इसमें सिर्फ ब्लॉक्स जो है वो अलग अलग यूज़ किए हैं, जैसे प्री एम्फेसिस सर्किट, उसके बाद में जो है एफएम मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी अप कन्वर्जन, पावर एम्पलीफायर एंड कैरियर ऑसिलेटर. ओके, सो एंड दिस इज़ द प्री एम्फेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स. इन दिस प्री एम्फेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन एक्स एक्सिस देयर इज़ अ एफएम एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज़ अ आउटपुट. ओके, सो सी वन बाय वन डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स. सो सी, फर्स्ट इट इज व्हाट इज प्री एम्फेसिस. सो सी, इट इज, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन एफएम द नॉइस हैज़ ग्रेटर इफेक्ट ऑन हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, ये किस में आपको दिखेगा? सिर्फ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ही दिखेगा, और इसका जो नॉइस है उसका ज़्यादा इफेक्ट्स कहाँ पे होगा? विच इज़ इन हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. जहाँ पे भी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे नॉइस का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखेगा एफएम में. देन दिस इफेक्ट कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, ये जो इफेक्ट है नॉइस का, इसको आपको अगर रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. जो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा. कौन से फ्रीक्वेंसी का? जो भी हम लोग यहाँ पे हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके इसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस होगा. ओके, देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द डेविएशन, एंड डेविएशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ द हायर फ्रिक्वेंसीज. ओके, अभी यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स कब इंक्रीज होगा? जब आप डेविएशन इंक्रीज करोगे. उसके बाद में डेविएशन कब इंक्रीज होगा? जब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग या फिर मॉड्यूलेशन सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा. मीन्स अगर आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज करना है तो सबसे पहले डेविएशन इंक्रीज करना पड़ेगा. डेविएशन इंक्रीज करने के लिए आपको जो भी हायर फ्रिक्वेंसी आपने सिलेक्ट की है उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज करना पड़ेगा. ओके, देन आफ्टर दैट द आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज प्री एम्फेसिस. ओके, जो भी हम लोग हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की आर्टिफिशियल बूस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली उसको क्या कर रहे हैं? बूस्टिंग मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द प्री एम्फेसिस. ओके, देन सी नेक्स्ट, सर्किट डायग्राम के ऊपर से बताया उन्होंने. The boosting of higher frequency, the modulating signal achieved by using pre-emphasis. Means जो भी higher frequency का आपको boosting करना है modulating signal का,
वो कैसे अचीव होगा, विद द हेल्प ऑफ प्री एम्फेसिस आपको यूज़ करके ही अचीव होगा. ओके, देन सी द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट दैट इज द मॉड्यूलेटिंग AF सिग्नल इज पास थ्रू द हाई पास RC फिल्टर बिफोर अप्लाइंग इट टू FM मॉड्यूलेटर. ओके, अभी ये सब सर्किट डायग्राम के ऊपर से है. सो सी द सर्किट डायग्राम. यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जो मॉड्यूलेटिंग AF सिग्नल है वो कहाँ से पास होगा, पास थ्रू हाई पास फिल्टर, RC फिल्टर बोल सकते हो आप लोग, बिफोर अप्लाइंग दी FM मॉड्यूलेटर. ओके, FM मॉड्यूलेटर के पहले हम आप लोगों को क्या करना है, जो भी मॉड्यूलेटिंग AF सिग्नल है उसको पहले हाई पास फिल्टर मीन्स RC फिल्टर से उसको पास करना है. ओके, एंड सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एज FM इंक्रीजेस द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू द FM मॉड्यूलेटर गोज ऑन इंक्रीजिंग. जैसे जैसे FM इंक्रीज होगा वैसे ही जो भी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज आपने FM मॉड्यूलेटर को अप्लाई किया है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, देन सी द अमाउंट ऑफ फ्री एम्फेसिस इन द साउंड ट्रांसमिशन एट 75 माइक्रोसेकेंड. जो भी आप लोगों ने किया, द अमाउंट ऑफ प्री एम्फेसिस जो है साउंड का जो कि ट्रांसमिट होता है वो कितना रहेगा, 75 माइक्रोसेकेंड. ओके, देन प्री एम्फेसिस सर्किट इज बेसिकली अ हाई पास फिल्टर. ये जो प्री एम्फेसिस सर्किट होता है वो बेसिकली हाई पास फिल्टर होता है. ओके, देन सी द नेक्स्ट वन टॉपिक, इट इज़ द डीएम्फेसिस. सो दिस इज द डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डीएम्फेसिस. इन दिस यू सी दिस इज द इनपुट फॉर डीएम्फेसिस, FM इनपुट एंड आउटपुट इज द AF आउटपुट. ओके, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द डीएम्फेसिस सर्किट. देन इन कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन सी द on y axis there is output on and on x axis there is a FM. So see the one by one description points about the de-emphasis. In this block diagram you already see the input is FM input and block is used, that is FM demodulator. After that डीएम्फेसिस सर्किट विल बी यूज्ड, मीन्स यहाँ पे जो है आपको पहले FM मॉड्यूलेटर यूज़ करना है, बाद में डीएम्फेसिस यूज़ करना है. और प्री एम्फेसिस में आप लोगों ने क्या किया था, पहले जो है आपका यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में जो है प्री एम्फेसिस में देखो FM मॉड्यूलेटर बाद में यूज़ किया था, सबसे पहले हाई पास फिल्टर यूज़ किया था. ओके, सो सी द वन बाय वन डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स अबाउट डीएम्फेसिस. द आर्टिफिशियल बूस्टिंग इज गिवन टू द हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इन प्रोसेस ऑफ प्री एम्फेसिस इज कंपनसेटेड एट द रिसीवर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डीएम्फेसिस. ओके, जो भी आर्टिफिशियल बूस्टिंग करते हैं हम लोग हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की, वो प्रोसेस होती है अपनी प्री एम्फेसिस. और उसको अगर आपको क्या करना है, कंपनसेट मीन्स उसको अगर आपको कुछ उसमें कुछ लॉस हो गया या फिर कुछ ड्रॉबैक्स हो गए उसमें, तो उसको अगर आपको ओवरकम करना है, ओके, ड्रॉबैक्स निकालने या फिर एरर है, डिस्टॉर्शन है, आप और कुछ उसमें डिफ़िकल्टी आ गई है आउटपुट में, तो उसको अगर ओवरकम करना है, कंपनसेट करना है, तो आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ डीएम्फेसिस एट द रिसीवर. ओके, देन सी द आर्टिफिशियल बूस्टेड हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल आर कन्वर्टेड टू दियर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड यूजिंग डीएम्फेसिस सर्किट. यहाँ पे जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल बूस्ट किया था हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ओरिजिनल एम्पलीट्यूड सिग्नल में विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डीएम्फेसिस सर्किट.
ओके मीन्स डी एम्फेसिस सर्किट का काम ही क्या है, इट विल कन्वर्ट बूस्टेड आर्टिफिशियल बूस्टेड हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल इनटू द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड. ओके देन सी नेक्स्ट दैट इज द डी एम्फेसिस सर्किट इज बेसिकली लो पास फिल्टर. यहाँ पे जो डी एम्फेसिस सर्किट हम लोगों ने यूज़ किया है ये लो पास फिल्टर रहता है, और जो प्री एम्फेसिस में हम लोगों ने यूज़ किया था वो क्या रहता है, हाई पास फिल्टर. ओके डिफरेंस बता रही हूँ दोनों में. और नेक्स्ट पॉइंट देखें, द डीमोडुलेटेड FM इज अप्लाइड टू डी एम्फेसिस सर्किट विथ इंक्रीज इन FM. द रिएक्टेंस ऑफ सी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द आउटपुट ऑफ डी एम्फेसिस सर्किट विल ऑल्सो रिड्यूस. ओके यहाँ पे जो हम लोगों ने डीमोडुलेटेड FM अप्लाई किया था डी एम्फेसिस सर्किट को, वो क्या करता है, जो भी FM है उसको इंक्रीज करेगा, और जो भी रिएक्टेंस है मीन्स कैपेसिटेंस या फिर सी बोल सकते हो रिएक्टेंस को, गोज ऑन डिक्रीजिंग मीन्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और FM इंक्रीज होगा. ओके एंड द आउटपुट ऑफ डी एम्फेसिस सर्किट विल बी रिड्यूस. ओके सो आउटपुट क्या हो गया, रिड्यूस होगा. ओके सो दिस इज द FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी. द फॉर्मूला इट इज 1/2πRC. यहाँ पे C क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके सो इसके वजह से क्या होगा, डी एम्फेसिस का जो भी आउटपुट है वो भी रिड्यूस होगा. सो इन दिस वे दिस इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट इज डी एम्फेसिस सर्किट एंड प्री एम्फेसिस सर्किट. थैंक यू.